बीजेपी के सोचने वाले अफसरों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बीजेपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, राकेश के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, राकेश के कातिल को फांसी दो। हमें क्या चाहिए? राकेश के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, राकेश के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हमें क्या चाहिए? बीजेपी के इशारे पर नाचने वाले अफसर के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, राकेश के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, राकेश के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, राकेश के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, राकेश के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, हिसाब के आगे राकेश के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, राकेश के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, राकेश के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बीजेपी फांसी दो, फांसी दो, राकेश के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। एसपी उधमपुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उधमपुर पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उधमपुर पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उधमपुर पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, फांसी दो। इतना गुंडागर्दी का माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला उधमपुर में बनाया गया है कि कोई उनको पूछने वाला आज की तारीख में नहीं है। पुलिस शह दे रही है गुंडों को, बदमाशों को, कातिलों को। ये बच्ची है जिसके घर वाले की निर्मम हत्या की गई और कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है अभी तक कातिलों के खिलाफ। जिस तरीके से शह दी जा रही है प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा गुंडा एलिमेंट्स को, क्योंकि बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है इन बदमाशों को, इन गुंडों को, इन कातिलों को, और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक कत्ल यहां हो रहे हैं और जिस तरीके से आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस के जो मुखिया हैं यहाँ के, उनको कोई अधिकार नहीं है अपनी कुर्सी के ऊपर बने रहने का। एक के ऊपर एक जुल्म यहाँ लोगों के ऊपर हो रहा है, गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं। इस छोटी सी बच्ची का क्या कसूर था कि इसके पति की निर्मम हत्या की गई? इसी तरीके से पहले भी यहाँ रामपाल जी हैं, इनकी गाड़ी को पुलिस कस्टडी में जला दिया गया और एसएसपी महोदय को दर्जनों बार बताने के बावजूद भी उन अपराधियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी तरीके से 8 लोगों का रामनगर में बेदर्दी से कत्ल हुआ, वो शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखते थे और शायद इसीलिए वो गरीब लोग हैं, उनको सुनवाई कोई नहीं है और प्रशासन ने उनको खुली छूट दे दी, एक भी आदमी को पकड़ा नहीं गया। हाल ही में ये हादसा हुआ है जब पिंकी के जो हस्बैंड थे उनको जितनी बेदर्दी के साथ मारा गया है, और मैं कहना चाहता हूँ, लानत भेजना चाहता हूँ उन अफसरों के ऊपर जिन्होंने इसमें भी अपना फ़ायदा देखकर, ये कि लोग कहते हैं कि इसमें पैसा खाया इन लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलकर पुलिस प्रबंधन ने उनको जो है वो बख्श दिया है, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी खुली चेतावनी है इस प्रशासन को, अब आज आ जाइए। गुंडे बदमाशों के साथ जब पुलिस मिल जाती है तो वहाँ क्रांति आती है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और इस किस्म का जुल्म, जाति और अत्याचार पैंथर पार्टी हरगिज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यही मुद्दा लेकर हम डिप्टी कमिश्नर के पास आज जा रहे हैं इंसाफ की गुहार लगाने के लिए।